आप सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा योग का एक मंत्र बताऊंगा जिसको करके आप कोरोना वायरस को कमज़ोर कर सकते हैं। आपके शरीर में यदि संक्रमण हो गया है तो भी आप उसके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और यदि संक्रमण नहीं हुआ है तो जो डर आपके अंदर संक्रमण कहीं मुझे हो ना जाए, उस डर को भी आप ख़त्म कर सकते हैं, उस डर से आप बाहर आ सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण थोड़ा भिन्न तरीके से करना है ताकि जो कोरोना का जो इफ़ेक्ट लंग्स में और आपके कंठ में जो कोरोना प्रभावित करता है और वहाँ पर अपनी कॉलोनी बना लेता है और संक्रमण को बॉडी में फैलाने लगता है, आपको फीवर आ जाता है, यहीं से ही यदि इस संक्रमण को आप ठीक कर लें, इसको कमज़ोर कर दें, तो ये असहाय हो जाता है और बहुत जल्दी बॉडी से नष्ट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण कैसे करना है, जब हम ओम को बोलते हैं तो ओम में तीन ध्वनि उत्पन्न होती है, अ, उ और म। अब जिनको लंग्स में भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोरोना का इफेक्ट लंग्स में पहुंच गया है या गले में दर्द है, फीवर है, तो आपको उ और म का उच्चारण करना है। उ और म अपने लंग्स पर पूरा फोकस करना है, अपने आंखें बंद करके अपने हृदय की वाइब्रेशन को महसूस करते हुए पूरा एक वाइब्रेशन पूरा सिर तक, तो कोरोना वायरस हिल जाता है, कोरोना वायरस जो घबराने लगता है कि ये वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन जब आपके लंग्स में, आपके कंठ में, आपके पूरे मस्तिष्क में आएगी तो आप एंजाइटी से मुक्त होंगे, आपकी इम्यूनिटी बॉडी में काम करने लगती है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आप इसे 21 बार से लेकर 51 बार तक करें। करेंगे कैसे, ध्यान से देखें। आप अंजलि मुद्रा बनाएं इस प्रकार से, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, या आप ध्यान मुद्रा, फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के टिप पॉइंट पर मिलाए, बाकी तीनों उंगलियां सीधे, इस प्रकार से आप बैठ जाएं और श्वास भरें सहजता से। तो इस प्रकार से आपने देखा पूरा एक वाइब्रेशन होती है आपके हृदय से लेकर पूरे मस्तिष्क तक, तो एंजाइटी नहीं होती, कोरोना का संक्रमण आपकी बॉडी में कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसका अभ्यास 21 बार से लेकर 101 बार तक आपको करना है, जितना आप कर सकें अपने मन की स्थिति के अनुसार। जिसने पहले योग का अभ्यास किया है वो इसको 101 बार तक भी आसानी से कर सकता है, नहीं तो जिसने नहीं किया वो 21 बार कर लें, क्योंकि शुरुआत में मन आपका चंचल होता है तो कहीं ठहरता नहीं है और रोग हो जाता है तो आप और निराश हो जाते हैं। तो निराश न होकर निराशा छोड़ें और एक आशा के साथ इस ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अधिक लाभ होगा, आपको प्रसन्नता होगी, निराशा हटेगी, एंजाइटी घटेगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो आप सभी ज़रूर प्रयोग करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। ओम। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।